नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम सच की तह तक। खास कार्यक्रम क्राइम बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बढ़ती लोकप्रियता हंगामा टाइम्स की क्राइम जगत की खबरों को देखते हुए बढ़ती जा रही, इसी को देखते हुए हंगामा टाइम ने शुरुआत की है क्राइम बुलेटिन की। आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की क्राइम बुलेटिन की खास खबरों की ओर। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। राजधानी लखनऊ में ट्रक ड्राइवर ने दिन दहाड़े एक युवक को कुचल दिया। टेम्पो चालक अनिल राजपूत की निर्मम हत्या कर दी गई। बंथरा पुलिस में मामला भी दर्ज किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था उसको एक से डेढ़ घंटे के अंदर ही छोड़ दिया गया, जबकि अनिल राजपूत अपनी जान से गए। पीड़ित परिवार हमारे साथ है, उनकी माता जी हैं, उनकी जो पत्नी है वो हमारे साथ है, और बताया जा रहा है कि परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं। आखिर इस परिवार का गुजर बसर कैसे होगा, ये जानते हैं कि क्या हुआ था। मैम, माता जी क्या नाम है आपका? सीता। क्या हुआ था, कैसे पता चला कि दुर्घटना? पता चला, फोन आया तब पता चला है। वो भतीजी ने करा था, हाँ कानपुर से भतीजी ने करा था, ये यहाँ पर भी था कटी बगिया, हाँ बंथरे के पास। मदद हमारी कुछ नहीं किया पुलिस ने, गिरफ्तार हुआ था उसे छोड़ दिया उसको। हाँ हम लोग कहते हैं कि हमारी सुनवाई करें, हमको चाहिए हमारी सहायता चाहिए और सूचना, हम कहते हैं हमारे परिवार की सूचना। चलिए ठीक है, शिकायतकर्ता हमारे साथ है दिलीप। दिलीप जी, क्या हुआ था, कैसे जानकारी मिली थी और आपने जो तहरीर दी पुलिस की तरफ से, अभी तक किस तरह की कार्रवाई देखी? हुआ था कि ये परसों का केस है, ये करीब 11-12 बजे का केस है। हमको 3 बजे सूचना मिली तो मैं यहाँ घर पे आया हूँ, तो अब लड़के की डेड बॉडी आ गई थी, तो डेड बॉडी जो यहाँ उतार रहे थे तो हम लोग ने उतारने नहीं दिया, हमने सीधे उसको मेडिकल कॉलेज में भेजा, तो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में रखवा दी गई। ये बताइए, जब शव को लेकर आप लोग आए तो पुलिस भी आई थी पोस्टमार्टम कराने के लिए? नहीं, कोई पुलिस नहीं आया। कोई नहीं आया। आप लोगों ने स्वयं कराया? जी, कल जब पोस्टमार्टम हुआ है तो कल वहाँ से दीवान जी को या दरोगा जी को आना था, वो नहीं आए, नहीं आए ना, उन्होंने साइन किया। हमारा पहला नंबर लगा था, 16वें नंबर पे था मेरा पहला नंबर लगा, उसके बाद में उन्होंने साइन नहीं किया, फिर भी हमने कोई तनो दौड़ भाग के करवाया, फिर हमको 1:30 बजे डेड बॉडी मिली। क्या नंबर था टेम्पो का? टेम्पो का नंबर है 9854 UP32CN। नंबर याद है जी? UP32DN4773। कार्रवाई ये हुई थी कि जब मैं परसों गया हूँ तो अपने एफआईआर लिखाई, तो ड्राइवर था वहाँ पे, तो मुझको देखा मैंने, वो नशे में बहुत था, तो उसको बाथरूम लगी थी, दीवान जी उसको बाथरूम कराने लगे थे, तो वो बहुत हिला था, तो उसके बाद में उनके मालिक, गाड़ी मालिक अलग सब पहुँचे थे, जब हम लोग पहुँचे तो वो लोग वहाँ से चले गए, फिर उसके बाद में हमारी एफआईआर लिखी गई। जेल नहीं गया अभी तक आपको जानकारी? हमको कोई जानकारी नहीं। अब जानकारी क्या हो, तरह की मदद चाहते हो क्या? हमको मदद ये चाहते हैं कि हमारे परिवार के जो सदस्य जिसका लड़का है उसको भरपूर उसको अपनी सुविधा मिलना चाहिए, आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। हाँ, हमको और किसी से न शिकायत न सिखवाए, खाली हमको उनके बच्चे का, उनकी माँ का, उनकी वाइफ का हमको मदद चाहिए। तो सर, जो अनिल राजपूत है उनकी पत्नी है, मैडम क्या नाम है? सीता राजपूत। कैसे जानकारी मिली पुलिस की कार्रवाई से, कितना संतुष्ट हो? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कही है, बल्कि उन लोग को छोड़ दिया है। छोड़ दिया है जी। क्या चाहते हो? हम उनसे आर्थिक मदद चाहते हैं, मेरे बच्चे का भविष्य बनाना है। किससे चाहते हो? मुख्यमंत्री से? किसी से भी, जो कर सके उससे चाहते हैं। कार्रवाई क्या चाहते हो? अभी तक ड्राइवर गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं हुआ, गिरफ्तार कराइए, गिरफ्तार नहीं हुआ है वो। घर परिवार में गुजर बसर का मतलब काम कैसे चलता था? वही कमाने वाले थे हम, तो सब बैठे थे, कोई कमाने वाला और अब कोई नहीं बचा है। तो जैसा कि हमने
SHO बंथरा से भी बात की, उनका कहना है कि जो जो घटना हुई थी उसके बाद जो ड्राइवर है वो गिरफ्तार हुआ था और चंद घंटों के बाद उसे निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। पीड़ित परिवार का जो कमाने वाला सहारा था अनिल राजपूत, वो अपनी जान से गया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस पूरे मामले पर ठोस कार्रवाई के साथ साथ उन्हें आर्थिक मदद दी जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार को चलाने का जो एक सहारा था वो अनिल राजपूत ही था। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।